हेलो फ्रेंड्स, मैं नंद विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। सागन जंक्शन के पार्ट टू में हम आपको प्लेटफॉर्म संख्या 6 का संपूर्ण अपडेट देने वाले हैं। इस टाइम जो है प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर काफ़ी सारे परिवर्तन हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट प्लेटफॉर्म संख्या 6 का अपडेट दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो लेट ना करते हुए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के इस अपडेट में हम आपको दिखाएंगे सागन जंक्शन रेलवे स्टेशन के पार्ट टू में प्लेटफॉर्म संख्या 6 का संपूर्ण अपडेट, और इस वीडियो में हम आपको पूरा जानकारी देने वाले हैं। वीडियो आप लोग अंत तक देखिएगा और काफ़ी सारे परिवर्तन हो चुके हैं इस टाइम, तो वीडियो आप लोग पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो पिछली वाले वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब एक भाई ने हमें दिया था जिसका आईडी का नाम है मऊ एक्सप्रेस ब्लॉगर। ये एरिया जो है वो ट्रेनों का इंजन के लिए है, जिसका ब्रेक ख़राब हो या जिसको रोकना हो उसे ऐसे ही लाइन पे डाइवर्ट किया जाता है जो कि मिट्टी वाले ट्रैक पर जाके स्पीड को ख़त्म की जाती है। और काफ़ी अच्छी जानकारी भाई ने दिया है, तो ये वही जगह है और इसको जो है अभी काफ़ी अच्छे तरीके से मिट्टियों से इसको सजाया गया है ईंट ऊट लगाकर। और यहाँ पर बीच में जो है पटरियों को लगाया गया है, ये जो ईंट है ईंट के बीच में अभी पटरियाँ दिख रही होंगी आपको, इसको लगाया गया है इसके अंदर। तो भाई ने हमारे सवाल का जवाब दिया, काफ़ी अच्छा लगा, उनको हम धन्यवाद करना चाहते हैं। और इस अपडेट में हम आपको प्लेटफॉर्म संख्या 6 का संपूर्ण अपडेट दिखाएंगे, किस तरीके से प्लेटफॉर्म संख्या 6 का निर्माण कार्य विस्तार किया जा रहा है और कितने कितने परिवर्तन हो चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा कवर कराने वाले हैं। फिलहाल अभी हम आपको दिखा रहे हैं प्लेटफॉर्म संख्या 6 का अपडेट। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अभी हम आपको दिखा रहे हैं रेलवे ट्रैक के जो बना रहता है नया वाला, उस पर चलने से ये जूते में जो है छेद हो गया है। जो नई नई ट्रैक बनी हुई थी उसका वीडियो हम आपको दिखाने के लिए ट्रैकों पर चलकर नज़दीक से दिखाते हैं, पूरा क्लियर एकदम आवाज़ में और पूरा अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। और 6 महीनों के अंदर में मेरा 2 सूट जो है इसी तरह ख़राब हो चुका है, तो काफ़ी मेहनत करते हैं। कभी कभार तो हम खुद होपलेस हो जाते हैं, अकेले और भी कोई सपोर्ट भी करने वाला नहीं है, और तो कोई अगर आगे बढ़ता है उसे लोग पीछे हमेशा खींचते हैं। और कुछ लोग हैं मेरे जैसे घर से रिलेटिव या फिर बाहर से जितने भी लोग हैं, कुछ लोग जलते भी हैं कि आजकल के लोग किसी को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते हैं। थोड़ा सा इमोशनल हो गया था इसलिए बता दिया। पता नहीं इस जर्नी में मुझे कब सफलता मिलेगी यूट्यूब की जर्नी में। मैंने 1 साल से जॉब छोड़ चुका है और जॉब छोड़े हुए करीबन 1 साल हो चुका है, और जितनी भी इनकम हुआ करता था वो सारे जो है इसी में लगा दिया है, जो भी इधर उधर खाने पीने चीज़ से रिलेटिव यात्रा करने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। तो आप लोग अपना प्यार व सपोर्ट दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द यूट्यूब पर ग्रोथ कर सकें और आपके बीच नई नई अपडेट ला सकें। प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर यहाँ पर बड़ा सा सेट बना दिया गया है और ये पूरी तरीके से बनकर कंप्लीट है, और यहाँ पर हर जगह पर सीट भी लग दिया गया है जिससे यात्रियों को अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये रहा प्लेटफॉर्म संख्या 6 का नया फुटओवर ब्रिज। प्लेटफॉर्म संख्या 6 का जो सीढ़ी है उस पर अभी मार्बलों को बिछाने का काम चल रहा है। कुछ व्यू हम आपको दिखा देते हैं किस टाइप से यहाँ पर मार्बलों को बिछाया जा रहा है। यहाँ पर आधा जो है मार्बलों की बिछाई का काम हो चुका है, इस पर अभी काम चल रहा है, बहुत ही जल्द इसको भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। और अभी हम आपको फुट ओवर ब्रिज से कुछ व्यू दिखाएंगे, ऊपर से देखने पर कैसा व्यू लगता है। तो अभी नया वाला जो फुट ओवर ब्रिज है अभी इस पर मार्बलों की बिछाई का काम चल रहा है, इसको भी बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। काम तो इस पर अभी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और लगभग कंप्लीट ही हो चुका है मार्बल बिछाई का काम। ये प्लेटफॉर्म संख्या 3 है और वो रहा प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5। जस्ट उसके साइड में जो एकदम किनारे वो प्लेटफॉर्म संख्या 6 है और इधर के साइड में नए नए प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और वो रहा नई बिल्डिंग का काम, नई बिल्डिंग का जो काम वो अभी चल रहा है।
तो जो भी नए करकटों की छवाई का काम चल रहा था, अभी यहाँ पर कुछ पुराने करकट की छवाई का काम जो हुआ था उसको हटाया गया था, तो यहाँ पर कुछ पड़े हुए हैं। और आगे जो है एक और नया सेट बनाया गया है। धूप और बरसात से यात्रियों को काफ़ी सारे सुविधाएं मिलने वाली हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और ये जो पट्टी है, पट्टी तो पूरी तरीके से लग रहा है जैसे कंप्लीट हो चुका है, ये जालियों पर जो बिछाया जा रहा था। अभी कोई ट्रेन आ रही है तो अभी हम आपको दिखाते हैं। अभी दून एक्सप्रेस आ रही है प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर। और ये रहा नया टिन शेड। तो प्लेटफॉर्म संख्या 6 का जो काम है वो लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। अभी पूरी तरीके से तो थोड़ा बहुत कार्य जो है बचा हुआ है, जैसे कि पानी सप्लाई का भी काम बचा हुआ है। जो बूथ बनाया गया है उस पर भी काम बहुत ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा। और जो बिजली उजली का काम था, विद्युतीकरण का जो काम था, वो कंप्लीट कर लिया गया है लगभग वो भी। तभी जो बचा खुचा हुआ है उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और ये जो आपको दिख रही होंगी नालियाँ, इन नालियों के ऊपर जालियों को भी बिछाया जाएगा। तभी इधर तो अभी खुला पड़ा हुआ है, इसमें कचड़े जा रहे हैं। अभी कुछ कचड़े यहाँ पर पड़े भी हुए हैं, इस पर जालियाँ लग जाएं तो बाकी एकदम सेफ हो जाएगा। ये छोटे छोटे शेड भी बनाए गए हैं, तो हर जगह पर स्पेस दे दे के बनाया गया है। छोटा छोटा शेड और 2 बड़ा शेड बनाया गया है। तो ये बूथ पर जो है 3 टोटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, 1 टोटी यहाँ पर लगा हुआ है। बूथ पर जो है टोटल 4 टोटियाँ लगी हुई हैं। इसके साथ ही 2 शौचालय का निर्माण कार्य किया गया है। दोनों शौचालय पूरी तरीके से कंप्लीट है। ये है दूसरा वाला शौचालय, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस पेड़ को जो है इसको गोल आकृति में घेर दिया गया है ढलाई करके, और इसको काफ़ी छावदार भी है। और यहाँ पर आराम से लोग बैठ जाएंगे, गर्मियों में तो काफ़ी राहत मिलेगी। तो जो शेड वोड लगाया गया उसे तो बेहतर ही है, अच्छा हुआ इसको पेड़ को हटाया नहीं गया। और यहाँ पर भी कुछ ढलाई का काम बचा हुआ है, इसको भी बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा। कुछ वर्क हो रहा था इसीलिए इसको छोड़ दिया गया था, फिलहाल देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। प्लेटफॉर्म संख्या 6 के बिल्कुल अभी हम लास्ट समाप्ति पर हैं। और प्लेटफॉर्म संख्या 6 के बिल्कुल लास्ट समाप्ति पर कई सारी मात्रा में यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल को रखा गया है। तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक पोल को लगाने का काम जो है वो किया जाएगा। इलेक्ट्रिक पोल को अभी हम आपको दिखाते हैं किस स्थान पर रखा गया है। और यहाँ पर नई ढलाई करके इसको दीवारों को उठाया जाएगा। तो वो रहा सामने, कई सारे इलेक्ट्रिक पोल को रखा गया है और इसको लगाने का जो काम है वो किया जाएगा। तो ये रहा सामने इलेक्ट्रिक पोल, अभी रखा हुआ है, इसको लगाने का जो काम है वो बहुत जल्द स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इसको गड्ढे को खोदा गया है, इस पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा, नई ढलाई का काम। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हम अपने वीडियो की समाप्ति यहीं से करेंगे, तब तक मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।